रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप सब सुन रहे हैं, मैं आजकल एक श्रृंखला आपके लिए लगातार भेज रही हूँ, जिसका शीर्षक है बच्चों की परवरिश कैसे करें। आज उसी श्रृंखला में मुझे आपसे बात करनी है कि मातृभाषा बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं। दोस्तों, एक वाक्या बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं ट्रैवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी, और एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर वेटिंग रूम में काफ़ी देर तक मुझे प्रतीक्षा करनी थी। शाम में मेरी ट्रेन थी 4 बजे और हम लोग सुबह ही 8 बजे पहुंच गए थे। वहाँ मैंने देखा एक गुजराती परिवार था और वो लोग काफ़ी सभ्य और सुसंस्कृत थे। बहुत सारी महिलाएं भी थी परिवार में, शायद सम्मिलित रूप से वो लोग कहीं यात्रा पर जा रहे थे और वो काफ़ी उच्च शिक्षित लग रहे थे, काफ़ी संभ्रांत परिवार के थे। लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे कि पूरा परिवार, सभी लोग आपस में गुजराती में बातें कर रहे थे, और इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि मातृभाषा आपकी एक ऐसी भाषा है जो जन्म से लेकर आपके साथ रहती है और वो हमारी पहचान होती है। अगर वो अंग्रेज़ी में बातें करते या हिंदी में बातें करते तो शायद ही मैं समझ पाती कि वो गुजरात से हैं या गुजराती हैं। उनके मातृभाषा में संवाद ने ही मुझे ये बात बताई, यानी कि आपकी मातृभाषा आपकी पहचान होती है, आपके राज्य की पहचान होती है, क्षेत्र की पहचान होती है। यूँ तो उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हमारा भारतवर्ष एक है, लेकिन हमारी जो विविधता है, विविधता में एकता है, उसकी जो खूबसूरती है, ये हमारी मातृभाषा से ही सामने आती है। तो आज दोस्तों, मैं यही बात करने आई हूँ कि आजकल का जो एक चलन है कि बच्चे अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं या यहाँ तक कि हिंदी मीडियम या राज्य के जो मीडियम है वहाँ के स्कूलों में भी पढ़ते हैं, तो अंग्रेज़ी बोलना जो है वो एक पहचान मानी जाती है, एक स्टेटस सिंबल बन गया कि अरे हमारे बच्चे तो अंग्रेज़ी में बातें करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, अंग्रेज़ी हमारी प्रोफेशनल भाषा है, बिजनेस की भाषा है, काम की भाषा है, मगर भारतीयता की पहचान हमें हमारी मातृभाषा से ही मिलती है। और ख़ास करके मातृभाषा वो भाषा होती है जो बच्चा जन्म के तुरंत बाद अपनी माँ से सीखता है, इसीलिए इसको दर्जा दिया गया है मातृभाषा। ये नाम मिलता है ये वो भाषा है जिसमें माँ पहली बार अपने बच्चे से संवाद करती है, यानी ये भाषा माँ के द्वारा बच्चों को सिखाई जाती है। और माँ के बाद फिर दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, या फिर भाई बहन होते हैं परिवार में, जिनके साथ बच्चा वो भाषा सीखता है जिसे मातृभाषा कहते हैं। तो ये बात सही है दोस्तों कि बड़े होने पर, स्कूल जाने पर, वो अंग्रेज़ी, हिंदी, स्पैनिश, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, कोई भी भाषा पढ़ करके सीख सकता है, लेकिन मातृभाषा का ज्ञान केवल माँ अपनी गोदी में ही दे सकती है, या हमारा परिवार उस बच्चे को वो मातृभाषा सिखा सकता है। उसकी एक सौंधी से मिठास जो है, मातृभाषा की सौंधी से मिठास जो है, उसके साथ हमेशा रहेगी, जीवन भर रहेगी, और वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, ये मातृभाषा उसकी पहचान रहेगी, उसकी संस्कृति रहेगी। तो यही मेरा कहना है कि आप कैसे भी अपने बच्चे को, चाहे जैसी भी शिक्षा दें, जहाँ भी पढ़ाएं लिखाएं, जहाँ जो भी आपने उसके लिए तय किया है कि हाँ मेरे बच्चे को मैं ऐसे पालूंगा, ऐसे संस्कार दूंगा, वो चीज़ें सब आप करें, लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि अपने बच्चे को मातृभाषा ज़रूर सिखाएं, क्योंकि ये वो भाषा है जो वो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सीख सकता। वो जब भी सीखेगा तो अपनी मातृभाषा अपनी माँ की गोदी में सीखेगा, पापा के साथ टहलते हुए सीखेगा, दादा दादी के साथ कहानियाँ सुनते हुए सीखेगा, भाई बहन के साथ खेलते, लड़ते, झगड़ते हुए सीखेगा। तो ये भाषा जो उसे भविष्य में उसकी मिट्टी से जोड़ेगी, मिट्टी से बांधे रखेगी, ये वो भाषा है।
और दोस्तों ये भाषा कहीं भी आप जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं, अगर कोई आपको अपना भाषा भाषी मिलता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। वहाँ पर आपको लगता है जैसे कि कोई बहुत ही अपना, कोई बहुत ही परिचित, कोई बहुत ही रूहानी रिश्ते वाला व्यक्ति मिल गया। खास करके जब आप विदेशों में जाते हैं और वहाँ कोई आपको अपनी संस्कृति का, अपनी भाषा भाषी का कोई मिल जाता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये कैसे संभव हो पाता है? बस इसी मातृभाषा के कारण। तो यही वो भाषा है जो दुनिया के किसी भी कोने में आपको भारतीयता की पहचान देती है, क्योंकि अंग्रेज़ी हिंदी बोलने वाले, अंग्रेज़ी बोलने वाले खासकर भारतीय, फ्रेंच जर्मन बोलने वाले भारतीय आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मगर बंगाली, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मैथिल, मराठी, इन भाषाओं में बात करने वाले लोग आपको बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और बस आप उनकी भाषा सुनते हैं और तुरंत भारत में वापस लौट जाते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप हों और एक भारतीय भाषा आपके कानों में पड़ जाए, एक मातृभाषा आपके कानों में पड़ जाए, एक क्षेत्रीय भाषा आपके कानों में पड़ जाए और तुरंत आप भारत की मिट्टी से जुड़ जाते हैं। तो यही वो सौंधी खुशबू है जो आपके मन मस्तिष्क में जीवन भर बसी रहती है और दुनिया के किसी भी कोने में आपका आत्मविश्वास आपकी पहचान बनाए रखती है। तो आज का अनुरोध यही कि अपने बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा ज़रूर दें, क्योंकि यही उनकी भारतीयता की, राष्ट्रीयता की पहचान होगी। आज के लिए इतना ही इस श्रृंखला में। अगली श्रृंखला में फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय पर हम बातें करेंगे। तो तब तक रखिए मातृभाषा का, दीजिए अपने बच्चों को ज्ञान और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।